आरब मैं नीता सिंह हाजिर हूं दुनिया भर के सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे हमारी इस खास पेशकश में आज बात इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप की इंडिया और जापान के बीच दोस्ती की एक लंबी हिस्ट्री है जिसकी जड़ें स्पिरिचुअल फिनिटी और स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल टाइज में जमी हुई हैं आज के मॉडर्न जमाने में भी इन दोनों कंट्रीज का एसोसिएशन 1903 में कायम हुआ और आज ये दुनिया के सबसे पुराने दोस्त मुल्क हैं हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जापान के प्राइम मिनिस्टर के भारत दौरे का वेलकम किया आज जापान जी सेवन कंट्रीज का प्रेसिडेंट कंट्री है तो भारत के पास जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी है लिहाजा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों कंट्रीज के मिलकर काम करने और इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत अपने रिश्तों को और भी मजबूत करने की उम्मीद जाहिर की है अब समझने वाली बात यह है कि आज की बदलती हुई दुनिया में इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप के क्या माने हैं जी सेवन और जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी के आपसी कोऑपरेशन से कितनी बेहतर उम्मीदें की जा रही हैं और दोनों कंट्रीज़ के बायोलेट्रल रिलेशंस अपना क्या इम्पैक्ट दुनिया पर कायम करने वाले हैं इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान जे के प्रोफेसर अमृतस और एम पी में डिस्टिंग फेलो प्रोफेसर एस टी मुनी साथ ही इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी और हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में हेड और प्रोफेसर राम सिंह वेलकम टू आर स्टूडियो प्रोफेसर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि अब की बात तो उनको भी इन्वॉल्व करने की बात अफ्रीका भी।, भी जी क्या कहेंगे आप प्रोफेसर सिंह देखिए भारत की जो जो आपस में भारत और जापान के संबंध है वो दो मुद्दों पर टीके उसमें सहयोग भी है और थोड़ा कंपिटिशन भी है साथ साथ चल रहे हैं Uh, कुछ क्षेत्रों में हम कंपीट भी कर रहे हैं लेकिन ज्यादा उसमें सहयोग है और सहयोग बायोलिटरल भी है रीजनल भी है और ग्लोबल भी है तो कुछ ऐसे इशू हो सकते हैं जहाँ हमारा कंपिटिशन होना स्वाभाविक है मेरे हिसाब से वो रिलेशन फेयर एंड हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जरूरी भी है लेकिन बाय एंड लार्ज भारत का और जापान का सहयोग इस भारत के बियॉन्ड भी है जैसे कि प्रोफेसर मुनि ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका एक, एक बेस बनाया जो ये हमारा सहयोग है ये अफ्रीका में वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डील करने के लिए वहाँ पर अल्टरनेट पोर्ट्स के के निर्माण लिए जो जो जैसे चाइना बहुत सारे पोर्ट डेवलप कर रहा है कुछ दिनों पहले मुझे तंजानिया जाने का अवसर प्राप्त हुआ बागा पोर्ट इक्यावनियन इलेवन बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट में चाइना ने बनाया है और वहां से बड़े लंबे वो ईस्ट पूरे अफ्रीका में कनेक्टिविटी नेटवर्क बना रहा है उसी प्रकार से भारत और जापान क्योंकि भारत के पास लिमिटेड कैपिटल है हम मिलजुल कर भारत की जो लेबर है भारत के मैनेजर्स हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज है भारत के लोग जो है वो इन चीज़ों को संभाल सकते हैं वहाँ लेबर की शॉर्टेज है कैपिटल जापान की होगी इस तरीके से अफ्रीका में हम भी अपने एक अल्टरनेट जो एक सप्लाई चेन रूट्स है उनको डेवलप करने के लिए और अफ्रीका को उस कनेक्टिविटी विद इंक्लूसिविटी के कॉन्सेप्ट में शामिल करना चाहते हैं इसके साथ साथ ये रिलेशनशिप इसके कई डायमेंशनस है कल्चरल डायमेंशन अगर देखा जाए लगभग सेंचुरी से या शताब्दी से हमारे उनसे कल्चरल संबंध तैयार हुए हैं और इस संबंधों में अगर वहां देखा जाए जो जो उनके ऑफ डीटीज है उसमें चार जो देवी देवता है वो हमारे हिंदू धर्म से इंस्पायर है माता लक्ष्मी वहां पर उनकी बहुत पूजा की जाती है अगर देखा जाए वहां का सेकंड लॉर्ड बुद्धा के बाद में सबसे ज्यादा जो वर्षिप्त गॉड है माता सरस्वती की पूजा होती है धन के राजा कुबेर दर के जो हमारे देवता कुबेर है उनकी वहाँ बहुत पूजा होती है और इसके अलावा पशुपति भगवान महादेव महा, महाकाल शिव शिव की भी बड़ी आराधना होती है इन कल्चरल टाइज को हम पूरे ईस्ट अफ्रीका से जैसे कि कम्बोडिया से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं यहाँ जावा सुमात्रा से हम एक एक कल्चरल कॉरिडोर बना सकते हैं और कल्चरल कॉरिडोर को हम एक टूरिज्म कॉरिडोर जिसमें कि बुद्धिस्ट सर्किट बहुत महत्वपूर्ण नेपाल भारत म्यांमार कंबोडिया, थाईलैंड ये सब ये जो बुद्धिश्ट्म को बुद्धिश्ट्म को मानने वाले राष्ट्र है एक टूरिज्म कॉरिडोर की स्थापना की जा सकती है और इस सहयोग का एक दायरा जो है व्यापक और ज्यादा व्यापक बनाया जा सकता जी और अभी हिमालयन एंड माउंट फुजी संपर्क की भी बात हो बात रही है जो टूरिज्म इस ईयर को बोला है बोला। आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे प्रोफेसर मुनी नहीं देखिए हिमालय का नाम लिया आपने उसमें ध्यान ये रखिए हाँ। कि चीन एक हिमालयन नेटवर्क बना रहा है जिसमें वो नेपाल को जोड़ भूटान के साथ तो उनके संबंध नहीं है अभी लेकिन नेपाल को जोड़ रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तो इसीलिए ये कहा ना जो अनस्पोकन कंसर्न है जो, जो जो ध्यान देने वाली बात है वो चीन का फैलाव चीन का प्रस्ताव प्रसार उसको रोकने की बात है और इसीलिए हिमालयाज में भी और वहां पर बुद्धिज्म नेपाल को लेके बुद्धिज्म का बहुत बड़ा जैसा कहा गया है पिलग्रिमेज नेटवर्क बनाया जाना दोनों दोनों देश इसके बारे में सोच रहे हैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें दोनों देश तकरीर करते हैं तहरीर करते हैं और इस तरह से ब, चाहे वो संस्कृति का मसला हो चीन एज ए कम्युनिस्ट कंट्री पहले बुद्धिज्म को कोई परवाह नहीं की उन्होंने माओ ने कोई परवाह नहीं की अब अचानक से उनको समझ में आया कि ये दलाई लामा का मामला भी बदल जाएगा तिब्बत में तो लेके वो बुद्धिज्म के हामी हो गए हैं तो वहां पर जो भारत और जापान जैसे देश हैं जो बुद्धिज्म को हमेशा से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते रहे हैं वो लोग आपस में अपने प्रयासों को जोड़कर चीन के प्रस्ताव प्रसार को और चीन के फैलाव को रोकने की कोशिश करते हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी जापान की भाषा अब आ... के लिए अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें लैंग्वेज को लेकर कि भारत में बहुत कम लोग जानते हैं जापानी ज़रा जा, मुश्किल है और जापानी लोगों को अपनी भाषा से बहुत मोहब्बत है जी। और इसीलिए कोशिश ये की जा रही कि भारत के लोग जापानी लैंग्वेज को पढ़ें तो कुल मिलाकर जो आपसी समझ है वो सांस्कृतिक स्तर पर है आर्थिक स्तर पर है सामरिक स्तर पर है और उसको एक इसीलिए ये जो नाम दिया गया है स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप तो वो सिर्फ बायलेटरल भी नहीं है अभी आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया बियॉन्ड बायलेटरल है और देशों में तीसरे देशों में तीसरे क्षेत्रों में जाकर आ, आ, आप आपस में एक दूसरे से सहयोग करके जो प्रभाव इन दोनों को पसंद नहीं है उनको रोकने की कोशिश है और देशों को समृद्ध बनाने की कोशिश है जी तो कोशिश है दूसरे देशों को भी समृद्ध बनाया जा सके प्रोफेसर अर्पिता हम यहाँ बियॉन्ड बाइलेटोलिज़म की बात कर रहे हैं अगर इस समय सिनेरियो की बात करें आ, तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस ग्लोबली देखा जा सकता है अब जब यहाँ पर बात हो रही है बियॉन्ड बाइलेटोरिज़म की तो इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है देखिए जापान बहुत कीन था कि इंडिया आरसेप को साइन करे हाँ मगर हमारी भी उस समय पे कंसर्न्स थे तो उन वो हर समय चाहते हैं कि इंडिया एक कोलैबोरेटिव uh, वे में थोड़ा सा जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया uh, के साथ हम मूव कर रहे हैं ट्रेड एग्रीमेंट में तो अगर हम थोड़ा कोलैबोरेटिव वे में आगे मूव करें तो उसमें उनके लिए सप्लाई चेन बनाना उनके लिए uh, कुछ एक uh, एक साथ मिल के काम करने का रास्ता इजी होता है हमारे लिए भी इंडिया भी इंडो पैसिफिक में रेजिलिएंट सप्लाई चेन करने के लिए बहुत उत्सुक है मगर हमारे अभी का जो सिचुएशन है उसमें हमारा इंपोर्ट्स थोड़ा ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है और इसमें हमें कभी 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 कंसर्न आ जाता है कि हमारा इतना इंपोर्ट क्यों हो रहा है आ, कई कई लोग उसमें मुद्दे उठाते कई इकोनॉमिस्ट उसमें बात करते हैं ऐसे नहीं कि ग्लोबल ट्रेड में इंपोर्ट होना खराब है मगर ये एक हमारा भारत में इसका एक कंसर्न है और दूसरी बात है तो फिर हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाए और अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट हम गुड्स में बढ़ाए कि सर्विसेज में कि करें जापान के साथ जब हम लोग बात करते या सोचते कई जगह है जहां पे हमने उतना सोचा नहीं है मगर कर सकते हैं काम जैसे मानिए इस साल हमने मिलेट को आ, बनाया अपना मुद्दा यूएन में मिलेट दिस इज दिलेट हम कैसे मिलेट को प्रोमोट करें hmm. वैसे हम कैसे आयुर्वेदा को प्रोमोट करें जापान में मैन पावर की शॉर्टेज है सिस्टम hmm. जो जो को, को में लाना है कि hmm. ये कैसे कौन सी आयुर्वेदा कौन सी योगा को कैसे हम टीचर को डिफाइन करेंगे कुछ हद तक जपैन ने वो वाला काम था कर के साथ अगर वो उस टाइप के काम कर सकते हैं तो हम उधर जा सकते हैं सेकेंडली जैसे मानिए जापानीज़ का कल्चरल ट्रेनिंग कुक का ट्रेनिंग अगर इंडियन को वो दे सकता है ये ये एक और एरिया है जहाँ पे वो लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं और हम साथ में कैसे इंडिया में स्किल डेवलप कर सकते हैं जी। हमारा दो चार ज्वाइंट प्रोग्राम हुआ है मगर आज तक वो जॉइंट प्रोग्राम उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है चाइना जैसा क्योंकि चाइनीज लोग ने बहुत जल्दी जल्दी जैपनीज लैंग्वेज एंड कल्चर को पकड़ लिया और हमारे में ये लैंग्वेज कल्चरल ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लगा मगर अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं

आपसे संबंध और अच्छे होंगे और और हम लोग अभी अभी इस विषय पे कोशिश कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी काफी सारा ट्राई कर रहे हैं जैसे मानिए अभी हालांकि हमने लीगल सर्विस को ओपन किया जाकि हम ऑनलाइन लीगल सर्विस कर सकें क्योंकि अभी ऑनलाइन लीगल सर्विस करने में हम काफ़ी सारे उनको सपोर्ट दे सकते हैं मगर उनके लिए हमें लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग कुछ हद तक उनकी लैंग्वेज को जान पाए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा इजी हो जाएगा उनका बिजनेस करना कुछ हद तक हम उनके कल्चर को जान ले हमारे लिए इजी हो जाएगा और मगर उनको हमारे कल्चर के बारे में भी नॉलेज काफ़ी कम है और ये हम लोग एक कल्चरल कोऑपरेशन से अगर इकोनॉमिक्स की ओर और हम हाई स्किल्ड वर्कफोर्स हाई स्किल्ड वर्कफोर्स करते हैं मगर हम वेरियस स्किल्ड वर्कफोर्स पे देखें जैसे मैं आपको बोला आयुर्वेदिक सेवी का किसी जैकनीस ने मुझे बोला था हम बहुत इंटरेस्टेड हैं हाँ। तो ये सब इंग्लिश टीचर इंग्लिश टीचर उनके लिए बहुत जरूरी है ये जो एरियाज है यहां पे अगर हम कोलैबोरेट कर सके तो आ, मेरे को लगता है कि इकोनॉमिक्स कोलेबोरेशन भी बढ़ेगा और हमारा डाइवर्सिफाई करना है हमें थोड़ा सा एक्सपोर्ट बास्केट इम्पोर्ट बास्केट दोनों साइड से थोड़ा सोच के डाइवर्सिफाई करना है इसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन लेवल कोलेबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको स्ट्रेंदन करना है जी प्रोफेसर अर्पिता तो बहुत कुछ किया जाना बाकी है बहुत स्कोप है शुरुआत है और चल रहा है धीरे धीरे आगे भी उम्मीद करते हैं जो आप चाहती हैं वो होगा प्रोफेसर मुनि अगर बियॉन्ड बियड बाइलेटम से बा, वापस आते हैं और बाइलेट्रल टाइज की बात करते हैं आ, तो आ, अगर सिक्योरिटी एरिया में देखें तो क्या कुछ जापान और इंडिया के बीच में देखने को मिल रहा है देखिए सबसे बड़ा तो वो क्वाड बना हुआ है मैंने कहा ना आपसे जो चार देशों का एक समूह है जिसकी शुरुआत 2004-2005 से जब सुनामी आया था उस वक्त से शुरू हुई थी जहां लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रिलीफ और शेल्टर देने के लिए लेकिन वो अब एक बड़ा संगठन बन रहा है इस माने में कि चीन के फैलाव को रोकना पड़ेगा तो बायोलिट्रली साथ होने के अलावा जो चार लोगों चार देशों का एक गुट बना हुआ है क्वाड जिसको कह रहे हैं उसमें जापान और भारत ज़्यादा नज़दीक है मैंने आपसे पहले भी बताया कि मिलिट्री डायमेंशन में दोनों चीन को ओपनली प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं लेकिन चीन की दादागिरी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं क्योंकि दोनों को सीधा चुनौती है चीन की तरफ से और इस तरह से जो बायोलेट्रल संबंधों के तीन डायमेंशन तो मैंने आपको बताए तो बियॉन्ड बायोलेट्रल में जैसा पहले आपने जिक्र किया था कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया से होनी है और वो सारे नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार के थ्रू पर लगा हुआ है तो इसलिए जापान नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने की कोशिश भी कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो वहाँ पर है उसके अलावा सारे इंडियन ओशन में जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर दोनों में दोनों देशों में बहुत गहरी सोच बढ़ रही है यहाँ तक कि सबमरीन टेक्नोलॉजी सबमरीन आ, ट्रेनिंग मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों कंट्रीज़ में पहले आ, एक आ, आर्मी के लेवल पे एक्सरसाइज करते थे अब लेटेस्ट एयरफोर्स के लेवल पे एक्सरसाइज हुई है वीर गार्डियन करके पहले धर्म गार्डियन था तो इस तरह से आ, कुल मिलाकर जो जो एरियाज हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की ज़रूरत है जहाँ पर एक इंटर ऑपरेबिलिटी के किस तरह से हमारे सिस्टम और उनके सिस्टम में सिनर्जी बिठाई जाए हारमोनी बिठाई जाए वो सब कोशिशें चल रही है और अच्छी तरह से शुरू होकर सभी माने में संबंधों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास है लेकिन अड़चने भी है देखिए हम लोगों की संस्कृति वैसे काफ़ी बुद्धिज्म कॉमन लिंक है लेकिन जापान बेसिकली एक इंट्रोवर्ट कंट्री है जापान को हमेशा कभी भी फॉरेनर्स पसंद नहीं आए और हम लोग हमेशा से खुले रहे जी। जो भी आया उसका स्वागत किया उसको बिठाया तो उनकी इनहेरेंट हेजिटेशन है फॉरेनर्स को के साथ इनफॉर्मल होने की और हमारी डाइवर्सिटी जापान में बहुत होमोजेनिटी है रेस की फर्क है जी। तो इस वजह से टाइम लगता है जब अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग देश उनकी अलग अलग ऐतिहासिक परंपरा जापान एक बड़ा एम्पायर रहा है एशिया में उन्होंने एशिया फॉर एशियंस का मुद्दा भी चलाया था इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी एशिया को बढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन साम्राज्य भी था उनका हमारा कोई ऐसा साम्राज्य नहीं था कि हम मिलिटरीज को आगे बढ़ाएं जापान ने बहुत सारी लड़ाइया लड़ी है कोरिया के साथ उनके बहुत अजीब से संबंध है तो इस तरह से जो फर्क है वो जब आप प्रैक्टिकली सहयोग करने बैठते हैं तब वो बातें वो मुद्दे सामने आते हैं और इसीलिए चुनौती ये है कि उन मुद्दों को दूर करके जितना सरल आ, सहयोग को बढ़ाया जाए उतना अच्छा होगा और वही प्रयास है उसमें धीरे धीरे वक्त लगता है एकदम से सभी बातें नहीं सुलझती है लेकिन दोनों में जो पॉलिटिकल विल होने चाहिए दोनों देशों में वो काफी सुदृढ़ है और मैं समझता हूं कि यह सहयोग एशिया को लेकर भी एशिया नेहरू ने भी कहा था कि एशिया हमारा आ, मुख्य कार्य क्षेत्र है और जापान भी एशिया को अपना मुख्य कार्य क्षेत्र समझता है तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे दिक्कतें हैं लेकिन दिक्कतों को हटाने की पूरी जुझारू कोशिश की जाए बिल्कुल बड़े अच्छे से आपने बताया कि सिस्टम्स थोड़े थोड़े अलग हैं इंडिया जापान की उनके सिनर्जी करने की ज़रूरत है और जब शुरुआत करते किसी काम का तो टीदिंग प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं बस वही है और बाकी सब स्मूथ हो जाएगा धीरे धीरे प्रोफेसर सिंह आपने बा, बात की कल्चरल टाइज की बात की आपने अगर हम पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करें एजुकेशन एंड स्टूडेंट एक्सचेंज की बात करें उसके बारे में आप क्या कहेंगे देखिए ये एक एरिया सहयोग का जहाँ से दोनों के सहयोग को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है जापान की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए जरूरी है मेरे हिसाब से दो चीज़ें एक तो स्टूडेंट का एक्सचेंज भारत के स्टूडेंट वहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्सेज में और वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि दोनों जब सहयोग कर रहे हैं तो दोनों के इको को समझना और उसमें कंपेटेबिलिटी लाना कंप्लायंस लाना और म्यूचुअली उसको रिकोगनाइज करना एक दूसरे के सिस्टम को अप्रिशिएट करना जरूरी होता है जब हम बात कर रहे हैं सिक्स जनरेशन एरोप्लेन डेवलप करने की या जापान की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को हमारी नेवी में ऑलरेडी हमें मिल चुकी है टेक्नोलॉजी स्टेल्थ जिससे कम्युनिकेशन हमारी इंडियन नेवी का बहुत ज्यादा सुदृढ़ हुआ सिक्योर हुआ, हुआ, हुआ है और उसको जो ओल्डेस्ट, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी गए उसको दुश्मन देश नहीं कर सकते हैं वो इतना तो हमें जापान से सीखना है और जापान को भी हमारे सिस्टम को सीखना है तो उसमें नंबर वन स्टूडेंट एक्सचेंजे दूसरा मेरे हिसाब से यंग प्रोफेसर ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने भी करियर की शुरुआत करी है जो देश की आगे तीस वर्षों तक असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे लेक्चरार लेवल पे ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी हो सकते हैं हमारे आईआईटी से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इक्रियर e से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से यहाँ से इसके साथ साथ जो भारतीय है कंपनियाँ हैं जिनको वहां जाके व्यवसाय करना है चाहे वो फार्मास्यूटिकल की हो चाहे वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो वहाँ के बीच में भी एक एक्सचेंज इस बारे में मैं कहूँगा कि हमें जैसे भारत और जापान भारत और जर्मनी का सहयोग क्योंकि आई स्टडीड इन जर्मनी मैंने देखा भारत और जर्मनी के सहयोग से पिछले बीस वर्षों में दोनों देशों को बिजनेस करने में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा ईज आई है उसी प्रकार से अगर हम अकेडमिक एक्सचेंजेज स्टूडेंट एक्सचेंजेज कल्चर आयुर्वेदा या जैसे जिस तरीके से नए एरिया जहां पर है तो दो, दोनों की कल्चर समझने का एरिया ऑफ रीअलाइनमेंट कितना हमें चेंज होना है और किस प्रकार से जब आप किसी देश में जाते हैं तो वहां की परिपेक्ष को बहुत भरी वहां समझते हैं और यह पॉसिबल तभी है जबकि हम बच्चों को एक्सपोज करें दोनों सिस्टम में जर्म, जर्मनी ने भारत में अपने बच्चे टेंथ लेवल तक भी भेजे हैं जो यहाँ रहे पंद्रह दिन एक महीना रहे और बाद में बड़े अच्छे फ्रेंड्स बन गए और इससे इससे बिजनेस में बड़ी दोनों कंट्री को मतलब सफलता मिल रही है टेक्नोलॉजिकल सहयोग बढ़ रहा है इकोनॉमिक सहयोग बढ़ रहा है उसी प्रकार से उसी प्रकार की स्टोरी जैसे एक जर्मन में इंस्टीट्यूट उसको बोलते हैं जी आई जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर सुजामिन मिलजुल कर काम करना ऐसे मेरे हिसाब से भारत इंडो जापान इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कुछ ऐसा बनाया जाए जहाँ कि दोनों लोगों को एक दूसरे के इकोसिस्टम को समझने में ज्यादा से ज्यादा जो है सहूलतें दी जाएँ सहयोग दिया जाए समन्वय बनाया जाए और समान अधिकार दिया जाए ताकि इस इस समझो हमारी जो हमारी रिलेशनशिप है इसको आगे लेके जाए जी बिल्कुल कोशिश लगातार जारी है और जिस तरह से आप सजेशंस दे रहे हैं अगर किया जाए तो और सहूलियत होगी प्रोफेसर मुनी आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे इस समय जब जापान जी सेवन की प्रेसिडेंसी कर रहा है और इंडिया के पास जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी है ये इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप से किस तरह का मैसेज जाएगा या देने की कोशिश की गई है मैसेज देखिए जो अभी जो मुद्दे हैं दोनों देशों के सामने एक तो ग्लोबल इकोनॉमी का मुद्दा है एक ग्लोबल पीस का मुद्दा है और उसका रिश्ता यूक्रेन से भी है उसका रिश्ता ताइवान से भी है तो दोनों मिलकर ये कोशिश करेंगे कि एक शांति का संदेश जैसा अभी समिट के स्टेटमेंट में दिया गया और दोनों का कमिटमेंट है कि, कि किसी तरह से बातचीत से समस्याएं सुलझे लड़ाई से उसका शुरुआत नहीं हो लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया जाए एक सबसे बड़ा मैसेज तो ये जाएगा और दूसरी जो इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी डावाडोल हो रही है चीन के असरशन से और यूक्रेन वॉर की वजह से उसकी जो सप्लाई चेन्स बिगड़ रही हैं उनको वापस करने के लिए दोनों चाहे डिजिटल इश्यूज हों चाहे फाइनेंस के इश्यूज हों जी सेवन में भी वो उभर कर आएंगे और जी ट्वेंटी में भी उभर कर आएंगे और उससे मिला जुला इशू है एनवायरनमेंट का जिसमें भी दोनों देश जैसे जापान पूरी कोशिश कर रहा है कि जो एनर्जी पैकेट हो ऐसा हो जिसमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो उसकी कोशिश के लिए वो भारत को भी मदद कर रहा है भारत की भी ये कोशिश है तो ये जो ग्लोबल मुद्दे हैं एनवायरनमेंट है फाइनेंस है, है और पीस है ये सबसे अहम है और ये दोनों मुद्दे जी uh, ट्वेंटी में भी उभरेंगे और उभर रहे हैं और जी सेवन में भी उभर रहे हैं तो दोनों अगर देश उसके साथ मिलकर काम करें जैसा कि वादा किया गया है जैसा कि प्रॉमिस किया गया है तो सारे विश्व के लिए अच्छा होगा और इसीलिए दोनों देशों ने ग्लोबल साउथ की बात की है कि ऐसे देश जो न जी सेवन में है न जी ट्वेंटी में है तो इन दोनों में जी सेवन और जी ट्वेंटी में कुछ ऐसा किया जाए जिसका लाभ जिसका फायदा सारे विश्व को मिले और उसमें ख़ास तौर से जो ग्लोबल साउथ है जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको इसका फायदा हो जी बिल्कुल प्रोफेसर सिंह आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे ये जो इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर हाँ जी आ, मेरी समझ से ये रिश्तों में और ज़्यादा गहराई लाएगी जी जो विजिट हुई है और इसके साथ साथ हमें साथ साथ हमें निरंतर कंपटीशन और कोऑपरेशन के जो मंत्र है हमारा सहयोग को बढ़ाते रहना चाहिए सभी परिप्रेक्ष्यों में जैसा प्रोफेसर मुनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो हमारे कंसर्नस हैं उनको एड्रेस करना चाहे वो ग्लोबल पीस का हो या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का हो हमारे कुछ बायोलिट्रल कंसनस हैं जैसे मैडम मुखर्जी ने कहा जो ट्रेड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड उनसे डील करना हो हमारे हिसाब से दोनों राष्ट्रों के बीच में अभी लंबी दूरी और लंबी ऊँचाइयाँ और लंबी गहराइयां को अभी छूना बाकी है और उसके लिए हमें निरंतर जाना है भी अब मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और हमारी कोलेबोरेशन एंड कोऑपरेशन अगर हम लोग एक साथ मिल कर सकते हैं क्योंकि देखिए अगर जी सेवन बोली या जी ट्वेंटी बोली स्पेशली जी ट्वेंटी में ये एक कॉन्सेंसस बिल्डिंग फोरम होता है G20 जी ट्वेंटी और इसमें आप मुद्दे पे डिसीशंस नहीं लेते मगर मुद्दे पे व्यूज़ को एक साथ करते हैं और अगर हम लोग साथ साथ इस मुद्दे पे एक साथ चल सकते हैं तो कई सारा चीज़ें जो भारत इसमें पुश करना चाहता है, शायद तो उसमें हमें अच्छा जापान का सपोर्ट मिले तो इसीलिए मुझे तो इसमें बहुत पॉजिटिविटी दिखते हैं और मैं ये कहूँगी कि ये रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो और हम और भी अच्छा इकोनॉमिक टाइज़ बना पाए बिल्कुल आपने जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी इस इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप पर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तो हमारे गेस्ट जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि कोशिशें है जारी हैं और अभी बहुत कुछ आ, आ, हासिल करना बाकी है बहुत ऊंचाइयां छूना बाकी है हम यहाँ बात कर रहे थे इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटजिक ग्लोबल पार्टनरशिप की आ, आ, जापान के पीएम इंडिया आए और उन्होंने आ, एक टर्म दिया ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन और इस आ, और लगातार कोशिशें जारी हैं उम्मीद करते हैं कि ऊंचाइयां हम जल्द ही छुएंगे इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं इसके लिए हमारे ईमेल आईडी है डी डी उर्दू स्पेशल्स एट जी मेल डॉट कॉम इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत आदाब